हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास एक पोको M2 Pro डिवाइस आया हुआ है, जो कि इस डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में विदाउट PC कैसे बाईपास करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपने इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। और हाँ भाइयों, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, वरना शायद आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक एक बात को मेरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि आज के वक्त में जो सिक्योरिटी है आया है, वो थोड़ा टफ है, ठीक है? चाहे वो MI का हो, वीवो का हो, सैमसंग का हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, लॉन्ग प्रेस करके मैंने रखा और यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन आ गया, ठीक है? अब शेयर का ऑप्शन आने के बाद एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, मैंने इसमें क्लिक किया, जो शेयर का ऑप्शन है उसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है? ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, इसे अलाउ करते हैं, एग्री करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर इसे ओके करते हैं, फिर एग्री करते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इस डिवाइस का स्कैनर चालू हो चुका है। अब आपको एक अलग डिवाइस ले लेना है, यानी एक अदर्स डिवाइस ले कर रखना है, ठीक है? चाहे वो सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का, कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई टेंशन नहीं है। अब उसमें आपको ये जो शेयर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है शेयर मी, ठीक है? ये देखिए कुछ इस लुक का रहता है, वो आपको प्ले स्टोर से अपने अदर्स डिवाइस में डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है और सर्च में जो अदर्स डिवाइस है आपका, ठीक है, जिसमें को शेयर मी डाउनलोड करना है, उस डिवाइस में आपको यहाँ पर देखिए एक्टिविटी जो लॉन्चर है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ना कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, आपको आपका क्रोम ब्राउजर से APK को सिर्फ डाउनलोड करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉल वाला जो एक्टिविटी लॉन्चर है वो अपने डिवाइस में जब मैं शेयर मी से सेंड कर रहा हूँ तो वो शो नहीं कर रहा है, इसी के लिए मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है? APK को डाउनलोड करना है। ध्यान दे रहे होंगे शायद मेरी बात को। ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है, उसके बाद शेयर मी को आपको स्टार्ट करना है, यानी ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसमें रिसीप हम लोग क्लिक करते हैं और जो भी यहाँ पर है, जैसे कि वाईफाई ऑन कर लेना है, फिर ब्लूटूथ ऑन करना है, ये सब तो आपको खैर पता ही होगा। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं कैसे किया, यानी आपको शेयर भी डाउनलोड किए प्ले स्टोर से, उसके बाद जो एक्टिविटी लॉन्चर है वो आपको क्रोम ब्राउजर से APK डाउनलोड करना है, उसके बाद ये जो आपका जो लॉक वाला डिवाइस है उससे आपको इसे स्कैन करना है। ये देखिए ये जो QR कोड है इसका, उसे स्कैन करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं स्कैन कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत कर रहा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कैनर से एक बार में नहीं लेता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए या फिर उसमें थोड़ा क्लिक कीजिए कैमरा में, वो लेगा ज़रूर। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये ले चुका है और थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए कनेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए शेयर फाइल, ठीक है, इसमें क्लिक किया मैंने और अपना यहाँ पर फाइल में आना है, ठीक है, जो APK हम लोगों ने डाउनलोड किया था। ये देखिए यहाँ पर फाइल में आना है, देखिए, ठीक है, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसे आपको सेंड कर देना है। इंस्टॉल आपको नहीं करना है अपने अदर डिवाइस में, बस APK को सेंड करना है। उसके बाद इस डिवाइस में जो आपका लॉक डिवाइस है उसमें इंस्टॉल करना है। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट वार्निंग है, तो कोई बात नहीं, इसी पे एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद बैक कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद ओके कीजिए, सॉरी अलाउ कीजिए और थोड़ा सा इसे स्कैन करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्कैन करने दीजिए और उसके बाद देखिए रन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। मेरे डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मेरा जो अदर्स डिवाइस है उसमें इंस्टॉल है, पर वो शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो इसी के लिए मैंने APK को डाउनलोड किया क्रोम से, उसके बाद इंस्टॉल नहीं किया और सिर्फ उसे सेंड किया, तो देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर लिखना है आपको, जो सर्च है इसमें लिखना है स्पेस, ये देखिए यहाँ पर मैं स्पेस लिख रहा हूँ। स्पेस लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस लिखने के बाद भी स्पेस देना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये देखिए यहाँ पर स्पेस स्पेस लिखना है,
राइट तरीका से लिखना है, देखिए स्पेस है प्रॉब्लम, स्पेस, ठीक है। स्पेस लिखने के बाद आपको स्पेस देना है और नंबर दो पे जो सिकेंड स्पेस फिंगर लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्पेस जरूर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर स्पेस लिखने के बाद स्पेस आपको देना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिकेंड स्पेस फिंगर जो है इसे आपको करना है, उसके बाद सेटअप जो है यहाँ पर सेट नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सॉरी स्किप कर देते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए स्किप कर देते हैं। अब ये देखिए अपना FRP निकल चुका है। तो आपने देखा किस प्रकार से, किस तरीका से हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद चलिए कोई बात नहीं इसे कंटिन्यू करते हैं और इसे हो गया काम खत्म, ठीक है। अब अपने डिवाइस को लॉक देकर, यानी जो सेटिंग से लॉक होता है लॉक देकर रिसेट कर लीजिए, डायरेक्टली रिसेट भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि लॉक दे दीजिएगा तो शायद बेहतर होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉक आपने नहीं दिया और रिसेट किया, वापस से FRP एंट्री कर दिया डिवाइस में, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक देकर अपने डिवाइस को रिसेट कर लूँगा। अगर वीडियो के मैं ही रिसेट करूँगा तो भैया आप लोग तो बेहतर, आपको पता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगा, मुझे क्या है, मैं तो वीडियो बड़ा बना के चला जाऊँगा लेकिन दिक्कत आपको। खैर इस तरीका से आपने देखा कि मैं FRP को बाईपास किया, और ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में और ये दिखाया उसे मिस मत कीजिएगा, वरना फिर आप अटक जाइएगा, यानी आप कर नहीं पाइएगा, आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली FRP अपना बाईपास हो चुका है, एंड्रॉयड इसका देख सकते हैं शायद 12 है या क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने अब स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिएगा एंड्रॉयड क्या है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे भाइयों, और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार लॉक करके भी दिखा, तो देखिए इसमें लॉक मैंने दे दिया, ठीक है। खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।